कल रात मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैं एक इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू मेरा चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निर्माता कंपनी से। तो इन दिनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफी चर्चा में है, शायद यही वजह रहा हो कि सपने में मुझे कुछ ऐसा ही ख्याल आया। कहते हैं कि आदमी के दिमाग में जो बात चलती रहती है वो सपने के रूप में कभी कभी उसे दिखाई देने लगती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंसंट्रेटर क्या है, ये तो अब हम समझ चुके हैं, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये घरेलू उपकरण है। और क्या इसका घरेलू उपयोग ही किया जाना चाहिए? इस पर वो मेरे से बोले कि हाँ, घर पर भी आप इसे डॉक्टर की देखरेख में ही प्रयोग करें, अपनी समझ से इसका उपयोग करना नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने उनसे मेरे मित्र की जिज्ञासा बताई कि कृपया यह भी बता दें कि इसमें घर पर रखने में हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, बायती जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। देखिए, इसे ऐसे स्थान पर रखे हैं जो चारों ओर से खुला हो, दीवालों से दूर हो। दीवाल से सटाकर तो इसे कभी भी नहीं रखें, और न ही मरीज के पलंग के एक पास इसे रखे हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ से मरीज पैनिक हो सकता है। वर्तमान में तो ये इतने अधिक खरीदे गए हैं, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कोविड-19 के गंभीर केस में यह उपयोग के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो मैंने शंका जाहिर की, आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, देखिए, कोविड के जो मरीज होते हैं उन्हें सामान्यतः 10 लीटर से अधिक ऑक्सीजन प्रति मिनट की आवश्यकता होती है, और सामान्यतः कंसंट्रेटर में इतनी क्षमता होती नहीं है। दूसरा, इसकी जो ऑक्सीजन है वो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के मुकाबले में नहीं होती है, ये केवल सप्लीमेंट ऑक्सीजन है। तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर आप हमें ये बताइए कि इसके प्रयोग में और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उन्होंने कहा, देखिए भाई तीजी, वैसे तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसे फर्श पर इस तरह रखें कि ये सही से जमीन पर स्थिर रहे, और यदि सही तरीके से नहीं रखा जाता है और इसका अलाइनमेंट जमीन पर सही नहीं हो तो कंसंट्रेटर के कंप्रेसर को नुकसान पहुंच सकता है और उसमें से आवाज और अधिक तेज होने लगेगी। इसलिए जब भी इसे रखें, इसका अलाइनमेंट जमीन से मिला के रखें। तो मैंने पुनः प्रश्न किया कि और भी रख रखाव के बारे में इसकी कोई सावधानी रखना जरूरी है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया, भाई तीजी, देखिए, इसमें फिल्टर होते हैं, और यदि उसकी नियमित सफाई नहीं की जाती है तो ऑक्सीजन की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। दूसरा, इसमें एक पानी की बोतल लगी होती है ताकि जो ऑक्सीजन तैयार हो उसमें नमी, तो वो उस तैयार ऑक्सीजन को इस बोतल में के पानी में से गुजारा जाता है ताकि ऑक्सीजन में नमी रहे। तो ये जो बोतल होती है इसमें हरदम अच्छी क्वालिटी का डिस्टिल वाटर ही प्रयोग होना चाहिए। और हाँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि ऑक्सीजन प्रेशर से जो मीटर होता है इसका, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें, ये बहुत ही नाजुक उपकरण होता है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न और पूछा कि आजकल दानदाताओं द्वारा तो हॉस्पिटल में भी इस उपकरण को दिया जा रहा है, तो क्या हॉस्पिटल में इसकी कोई उपयोगिता है? उन्होंने कहा, हाँ, निश्चय ही ये उपयोगी उपकरण है, मगर मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए ये कतई उपयुक्त नहीं है, और कुछ और सावधानियां बरतना जरूरी है, क्योंकि ये फैमिली हाउस उपकरण है, घरेलू उपकरण है, इसलिए इसका कनेक्शन सदैव पावर प्लग से ही करें। एक्सट्रैक्ट
एक्सटेंशन कोड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उसमें ये जो कंप्रेसर है वो बहुत तेजी से बिजली को खींचता है, ज़्यादा एम्पियर लेता है। तो एक्सटेंशन कोड में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जब भी ज़रूरत हो इसको 15 से 20 मिनट पहले चालू करें, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में